विधानसभा चुनाव के लिए जैसे जैसे नामांकन की अंतिम तारीख 30 अक्टूबर नजदीक आ रही है, नामांकन भरने की गति भी तेज हो गई है। रोजाना चुनाव लड़ने के दावेदार नामांकन पत्र लेने के साथ ही जमा कर रहे हैं। गुरुवार को कसरावत कांग्रेस प्रत्याशी सचिन यादव ने अपने बड़े भाई एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर नामांकन फॉर्म दाखिल करवाया। इसके अलावा बड़वाह कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्र पटेल, भगवानपुरा कांग्रेस प्रत्याशी केदार डावर ने भी नामांकन पत्र दाखिल करवाया। नामांकन प्रक्रिया के बाद मीडिया से चर्चा में यादव बंधुओं ने कहा कि उन्हें 2018 की तरह इस बार भी जनता का आशीर्वाद मिलेगा। 2018 में 15 माह की कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों एवं जनहितैषी योजनाओं को लेकर जनता के बीच जाएंगे। अरुण यादव ने दावा करते हुए कहा कि प्रदेश में बदलाव की बहार है, हम 2/3 बहुमत के साथ फिर से सरकार बनाएंगे। हाल ही में भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रहलाद पटेल द्वारा दिए गए बयान पर यादव ने कहा कि पटेल वरिष्ठ नेता है, उनसे ऐसे बयान की उम्मीद नहीं थी। समूचे मध्य प्रदेश में बदलाव की बयार है और मैं प्रदेश की जनता को का बहुत आभार मानता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। 2018 में भी मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद दिया था। माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में निर्वाचित सरकार हमने बनाई थी, जिस सरकार को बेईमानी से लूट लिया गया और 2023 में पुनः विधानसभा के चुनाव में समूची मध्य प्रदेश की जनता का आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी के साथ में है और हम माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में 2/3 बहुमत से मध्य प्रदेश में सरकार बनाए। ये टिकट में जो बदलाव हुआ उसको लेकर बीजेपी काफी सवाल उठा रही है, टिकट कांग्रेस तो वो अपना घर देखे, हम पर सवाल जवाब करने की कोशिश ना करें। शिवराज जी अपनी खुद की चिंता करें, अपनी पार्टी की चिंता करें, कांग्रेस पार्टी की चिंता करने की जरूरत आपको नहीं है। भैया प्रदेश में आपकी जिम्मेदारी क्या रहेगी, भूमिका क्या रहेगी पूरे प्रदेश में? देखिए सरकार बनानी है, इसमें सभी हमारे वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में हम सब लोग काम कर रहे हैं और जो भी जिम्मेदारी, अब प्रचार का समय शुरू हो चुका है, नॉमिनेशन की तैयारियाँ हो रही हैं और सभी हमारे उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं, नॉमिनेशन का काम चल रहा है। उसके बाद हमारे तमाम वरिष्ठ नेता प्रियंका जी, राहुल जी, खड़गे जी, सोनिया जी के दौरे प्लान्ड है मध्य प्रदेश में और उनके साथ अन्य नेताओं के भी दौरे प्लान्ड है, तो सब लोग मिलकर सरकार बनाने में जुटे हैं। आप पिछली बार भी बुधनी से चुनाव लड़ रहे, इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे? मैंने स्पष्ट पार्टी से कहा, वरिष्ठ नेताओं से भी कहा है कि मुझे इस बार चुनाव नहीं लड़ना है, मैं पार्टी के लिए काम करूंगा और सरकार बनाने हम लोग मदद करें। भैया निमाड़ में जैसे परंपरा रही राहुल जी और प्रियंका जी की सभा, तो ये क्या प्रस्तावित? अब ये अभी इस पर कहना जल्दीबाजी होगी, जो वरिष्ठ नेता और जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जो हमारे महासचिव हैं कमलनाथ जी हैं, वो जो तय करेंगे, मुझे लगता है शीघ्र इसके बारे में खुलासा होगा। निमाड़ में 6 की 6 सीटें कांग्रेस के पास थी और पूरे प्रदेश में कितनी सीटें आएगी? निमाड़ की खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बड़वानी चारों जिलों में समस्त सीटें जीतने का हमारा प्रयास है और 2/3 बहुमत से मध्य प्रदेश सरकार आने चाहिए। मिशन 150 शुरू हो चुकी है और उसी तारतम्य में आज मैं अपना नाम निर्देशन पत्र यहाँ पर दाखिल करने के लिए हम लोग सभी साथी यहाँ पर आए हैं। जिस प्रकार से 2018 में भी मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद दिया था, उसी प्रकार से 2023 में भी पूर्ण बहुमत के साथ जो है कांग्रेस की सरकार आने वाली है और विशेष रूप से जो 15 महीने का हमारा जो कार्यकाल गया और जिस कार्यकाल में हमने जो जन कल्याणकारी योजनाएँ हमने लागू करने का काम किया, जिसने जनता को बहुत प्रभावित किया है और आज जो हमारा वचन पत्र है उस वचन पत्र के में जो जो विषय हमने जो वचन हमने दिए हैं मध्य प्रदेश की जनता को, वो सारे विषय लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं और एक अपार जन समर्थन जो है कांग्रेस पार्टी को ना सिर्फ कसावत में बल्कि संपूर्ण मध्य प्रदेश में मिल रहा है और हम सभी साथी पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं कि इस बार मध्य प्रदेश में पूरी पूर्ण बहुमत की सरकार बनने वाली है। बीजेपी सवाल उठा रही है कर्जा माफी का जो बिंदु था उस पर ही कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई थी, अब फिर झूठ बोल रही किसानों। देखिए भारतीय जनता पार्टी लगातार मध्य प्रदेश की जनता को गुमराह करने का काम कर रही है।
और लगातार झूठ का सहारा लेने का काम कर रही है। हम लोगों ने जब जब भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी मंत्री ने जब जब इस ऋण माफी को लेकर के सवाल उठाए हैं, हमने मय सबूत के और मय प्रमाण के उसका जवाब दिया है। और सरकार की तरफ स्वयं जब हमारे एक माननीय विधायक ने विधानसभा में प्रश्न लगाया था, उस प्रश्न के उत्तर में सरकार ने स्वयं स्वीकार किया है कि मध्य प्रदेश में 27 लाख किसानों के कर्ज माफ हुए हैं। तो अब ये बताइए कि कौन झूठ बोल रहा है, या तो विधानसभा में जो मंत्री थे, माननीय मंत्री, या तो वो झूठ बोल रहे हैं, या फिर प्रदेश के मुखिया झूठ बोल रहे हैं, या फिर प्रदेश के जितने मंत्री और जितने भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो झूठ बोल रहे हैं। निश्चित तौर पर मेरा आदिवासी विधानसभा क्षेत्र है और पहाड़ी क्षेत्र है, पिछड़ा क्षेत्र है, उसमें जो मूलभूत आवश्यकता है, हमारे सिंचाई के साधन की बहुत कमी है। हमारा क्षेत्र पहाड़ी है, पठारी क्षेत्र में तो नर्मदा की लाइन आई है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्र पूरा सूखा है, हम उसको प्राथमिकता देंगे। क्षेत्र में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, उनको ठीक करना है। शिक्षा का जो काम है बिल्कुल ठप पड़ा हुआ, शिक्षा के स्कूलें बंद पड़ी है, उसको हमको शिक्षा के बढ़ावा देना है, विभिन्न बिल्डिंग, विभिन्न स्कूलें, उसको हमको चालू कराना है। आपके विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य को लेकर कुछ नाराजगी भी देखने को मिली, मतदाताओं का ये भी कहना था कि वोट नहीं तो वोट नहीं, निश्चित साधेंगे उन्हें आप? निश्चित तौर पर 18.5 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो केवल मुख जमानी और भाषणों में विकास करती रही, 18.5 साल की सरकार होने के बावजूद अगर हमारे क्षेत्र में कोई सड़क या जो मूलभूत सुविधा के लिए जो बात उठती है, ये सरकार की नाकामी है। हम लोग लगातार प्रयास किया, लेकिन विपक्ष में होने के नाते पिछला 2 साल कोरोना के जाने के बाद हमारा ये कुछ काम ऐसे हैं जो छूट गए हैं, लेकिन जिन लोगों ने जो तख्तियाँ लगाई थी वहाँ के काम हमने सेंक्शन करा दिए आचार संहिता के बाद। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार नए चेहरे को मौका दिया, किस तरह से चुनौती मानते हैं? निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी ने नया चेहरा दिया और हम पूर्णतः पूरे क्षेत्र की जनता के साथ और कार्यकर्ताओं के साथ मिल के कांग्रेस पार्टी का काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी निर्दलीय के रूप में आए, फिर कांग्रेस के रूप में विधायक बनकर रहे और 2 साल बाद उन्होंने अपनी भारतीय जनता पार्टी में परिवर्तन हो गया, जब खंडवा लोकसभा उपचुनाव के चलते हुए और भारतीय जनता पार्टी में चले गए, तो उन्होंने एक व्यवसाय के रूप में राजनीति को लिया है। जनता की सेवा करने के लिए वो राजनीति में नहीं आए, ये मेरा मानना है। और आज की तारीख में धन और वैभव की लड़ाई है और नरेंद्र पटेल गरीबों के साथ है। तो गुजर समाज किसके साथ रहे, दोनों गुजर प्रत्याशी? देखो ऐसा है कि गुजर समाज एक ऐसी समाज है जिसको विकास चाहिए और वो विकास पूर्व मेरे जब पटेल साहब, ताराचंद जी पटेल सांसद और विधायक रहे, वो देख चुके हैं कि उन्होंने किस प्रकार से उस क्षेत्र का विकास कराया था। और गुजर समाज ने अन्य समाज को भी मैं तो बात करना चाहता हूँ, और पिछले वर्ष 5 वर्षों का जो इनका कार्यकाल गया, उस कार्यकाल में इन्होंने किसी प्रकार का विकास नहीं किया गया, तो बड़भा विधानसभा के समृद्ध जो मतदाता भाई हैं उनको अच्छे से ध्यान है कि कौन बड़भा विधानसभा का विकास कर सकता है। कौन मुद्दे, किस मुद्दे पर जा रहे हैं? देखो ऐसा है कि हमारा क्षेत्र कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान है, और इसमें जब तक कृषक आर्थिक स्थिति से मजबूत नहीं होगा तब तक मजदूर भी मजबूत नहीं होगा, और जब मजदूर और किसान मजबूत होगा तो निश्चित तौर से उस क्षेत्र का व्यापारी भी मजबूत होगा। तो उसके लिए कांग्रेस पार्टी ने हमारे सम्मानित दिग्विजय सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे और सम्मानित स्वर्गीय सुभाष यादव जी थे, उस समय हम लोगों ने इंदिरा सागर परियोजना पुनासा डैम दिया था, और उससे आज हमारे क्षेत्र में पुनासा से लगाकर बड़वानी तक के किसान जो सक्षम हुए हैं
और उनके माध्यम से जो आज किसानों को सक्षम होकर उन्होंने अपने बच्चों को आज शिक्षा दी है, संस्कार दिए और शिक्षा के माध्यम से होती है। क्या लग रहा है जीत के प्रति कितने अस्वस्थ हैं? पूर्ण रूप से मैं जीत के प्रति अस्वस्थ हूँ। और कितने वोटों से जीता हो ये हमारे मतदाता भाई बताएंगे कितने वोटों से जीते हैं। मैं तो सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि मैं जीत की ओर अग्रसर हूँ और मैं जनता की सेवा करने में बिल्कुल किसी प्रकार का कहीं उनसे छल कपट नहीं करूँगा और विकास की ओर बढ़ा को विधानसभा को आगे बढ़ाने का प्रयास। भाजपा के उम्मीदवार सचिन बिल्ला ने कहा है कि मैं जीत का खुद अपने जो 30,500 का रिकॉर्ड है। खरगोन से अपराध पठान की ये रिपोर्ट।